तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल गॉड टेक्निकल। दोस्तों सिखाना मेरा काम, सीखना आपका। सीधे टॉपिक पर आ जाते हैं। अगर आप भी वीडियोस अपलोड करते हो, एज अ क्रिएटर हो अगर आप भी, तो आपने देखा होगा जब आप मोनिटाइज पर क्लिक करते हो, मोनिटाइज क्लिक करने के बाद जहाँ पर स्किपेबल ऐड होते हैं, जहाँ पर आप नॉन स्किपेबल ऐड को प्रेस करते हो या फिर मोनिटाइज ऑन करते ही नीचे कुछ ऐसा लिखा हुआ आता है कि डू यू हैव कॉपीराइट कंटेंट इन योर वीडियो, ऐसा कुछ लिखा हुआ आता है। तो इसका मतलब क्या है, और अब जो ये लिखा हुआ आ रहा है कंटिन्यूसली आपके मोनेटाइज सेक्शन में, तो इसका मतलब क्या है और क्या ये सही है या गलत, आज के इस टॉपिक में हम इसी के ऊपर बात करेंगे दोस्तों। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दो दोस्तों। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहां पर बात करी जाए दोस्तों, इस सेक्शन में ये लिखा हुआ जो आता है डू यू हैव अ कॉपीराइट कंटेंट इन योर वीडियो, इसका मतलब है कि अगर आपके वीडियो के अंदर ज़रा सा भी कॉपीराइट कंटेंट यूज़ किया है अगर आपने, तो आपको बिना बताए हो सकता है ये वीडियो डिलीट भी की जा सकती है, रिमूव भी की जा सकती है, हाइड भी की जा सकती है। तो इसके लिए आपको कोई पर्सनली इन्फॉर्मेशन नहीं भी दी जा सकती है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। तो इसकी पूरी आप यहाँ पर देखिए, ज़्यादा पढ़ने के लिए इसमें मोर पर क्लिक करके आप जब देखेंगे तो उसमें पूरा का पूरा फॉर्मेलिटी लिखा हुआ आ जाएगा, जिसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर कोई घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपने फिर भी यूज़ किया है, मान लो जैसे आपने कोई वीडियोज़ ओपन की, वीडियोज़ बनाई उस पर, अब बनाने के बाद क्या होता है, आपने उसमें थोड़ा सा कहीं से उठा के डाल दिया, यानी मान लो अगर आपने 10 सेकंड का भी उठा के वीडियो उसके अंदर अपनी डाल दिया, तो वो कॉपीराइट कंटेंट में आ जाता है। अब जब कॉपीराइट कंटेंट में आता है तो ये भी वही पूछ रहा है कि अगर आपकी वीडियोज़ में ऐसा कुछ कॉपीराइट है तो उसमें आपने करना क्या है कि आपका जो कॉपीराइट है वो या तो लिमिटेड होना चाहिए। अब जैसे मान लो लिमिटेड होता है 30 सेकंड तक का, आप कोई कॉपीराइट कुछ भी उठा सकते हो या 10 सेकंड का उठा सकते हो, तो आपने अगर उसके लिमिट में है तो ये लिखा हुआ आएगा, लेकिन आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये जैसी आपकी वीडियो है, वीडियो अपने आप पब्लिश हो जाएगी और अच्छा रिस्पॉन्स उसमें मिलने लगेगा। लेकिन अगर आपने कॉपीराइट कंटेंट डाला है तो उस कॉपीराइट कंटेंट को देखना पड़ेगा कि अगर वो आउट ऑफ लिमिट है, यानी कि अगर मान लो कि 30 सेकंड से ज़्यादा का होता है, या कोई कोई ऐसा होता है कि 10 सेकंड का ही मिलता है कॉपीराइट हमें, और 10 सेकंड से ज़्यादा अगर आपने उसको यूज़ कर लिया तो कॉपीराइट इश्यू आपके पास आ जाता है। तो कई बार केसेस में ऐसा होता है कि यहाँ से जैसे ही ये अंडर रिव्यू कर देता है, जैसे ही आपकी वीडियोस पब्लिक होती है, पब्लिक होते ही कुछ सेकंड के लिए वो अंडर रिव्यू होती है, जिसमें आपको ये देख लिया जाता है कि कॉपीराइट मटेरियल इसमें यूज़ किया है कि नहीं। अगर वो मटेरियल आपका निकल जाता है कि आपने कॉपीराइट यूज़ किया है, तो ये आपको मेल भेज सकते हैं। तो कॉपीराइट का मेल होता है जिसमें आप शेयर कर सकते हो उनको अपना एडवाइस। लेकिन अगर कॉपीराइट का मेल नहीं आता है तो इनका कहने का मतलब है कि अब यहाँ पर आपको मेल नहीं भी आ सकता है, और अगर आपकी वीडियोज़ में कॉपीराइट कंटेंट है तो आपकी वीडियोज़ को यहाँ से डिलीट भी किया जा सकता है, रिमूव भी किया जा सकता है, हाइड भी किया जा सकता है। तो ये टोटली एक ऐसी अपडेट है जो कि बहुत अच्छी भी है, क्योंकि आज के टाइम में लोग कमाने की तो बहुत सोच रहे हैं, मोनिटाइज भी लोगों का चैनल हो जाता है, और चैनल होने के बाद, मोनिटाइज होने के बाद वो यही काम करना स्टार्ट कर देते हैं, कहीं से कुछ वीडियो उठा दी और उठाने के बाद उसको अपना लोगों को लगा के उसको चला देते हैं, लेकिन मेहनत का भी कुछ करना नहीं चाहते। तो उसी के लिए ये बनाया गया है सेक्शन में, मोनिटाइज सेक्शन में ये बनाया गया है। और ये वाकई मेथड जो अप्लाई करा है यूट्यूब ने वो वाकई बहुत अच्छा किया है, क्योंकि ऐसे जितने फेक्स यूट्यूबर्स हैं, जितने फेक्स क्रिएटर्स हैं, उनके लिए बिल्कुल सावधान होने वाली बात है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना, कोई भी इससे अलावा आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें वो भी कमेंट कर सकते हो। इसके अलावा मैं पूरी पूरी कोशिश करता हूँ आपको कमेंट में रिप्लाई करने के लिए। आज के लिए बस इतने दोस्तों, बाय।